हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की अनबॉक्सिंग। आज मैं आपके लिए जो योगी की तरफ से टैबलेट मिले हैं उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों, पहले सरकार ने सैमसंग के टैबलेट बांटे थे, लेकिन अब आईसीआर के बांटे हैं। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा आईसीआर का टैबलेट का बॉक्स है जिसके साथ टैबलेट का कवर दिया गया है। सामने से बॉक्स पर सिंपल डिजाइन दे रखी है। यह प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, लेकिन आईसीआर कंपनी ताइवान की है और इस टैबलेट का मॉडल नंबर IC18T482L है। ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं जो कि एंड्रॉइड 10 और रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। 2GB RAM 32GB ROM के साथ आता है। इसकी स्क्रीन 8 इंच मल्टी टच IPS 800x1280 है। अब चलते हैं इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बैटरी 5100mAh है जो काफ़ी अच्छी है। और यह हमारे टैबलेट का बॉक्स ओपन हो चुका है और यह हमारा टैबलेट जिसे मैं साइड में रख देता हूं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया है। हमें इसके साथ ईयरफोन दिया गया है जिसके ऊपर से पन्नी को हटा देता हूं और सही से दिखाता हूं। और ये इसका डाटा केबल जो टाइप सी नहीं है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसका चार्जर जो आउटपुट 5 वोल्ट का है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ और नेक्स्ट दिखाता हूँ और क्या है। हमें इसके साथ टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी से भरा हुआ एक छोटी सी बुक दी जाती है जिसे मैं नहीं पढ़ूँगा, इसको मैं साइड में रख देता हूँ और टैबलेट को दिखाता हूँ। ये मैं इसके ऊपर से रैपर को हटा देता हूँ और टैब को बाहर निकालता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा टैबलेट बाहर आ चुका है जो काफ़ी सिंपल सा है। ये इसके पावर के बटन और ये इसकी वॉल्यूम के बटन। ये इसका ऑडियो जैक और यहाँ से इसमें सिम और मेमोरी कार्ड डलेगी। ये चार्ज करने के लिए। बैक साइड से इसका कुछ सिंपल सा लुक दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं टैबलेट के कवर पर, देखते हैं कि कैसा कवर दिया है। मैं इस कागज़ को हटा देता हूं। दोस्तों, कवर ब्लैक कलर का दिया है जो काफ़ी अच्छा है। मैं जल्दी से अलग रख देता हूं और टैबलेट को ऑन करता हूं। तो ये हमारा टैबलेट ऑन हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है। और ये हमारा टैबलेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। टैबलेट के साथ कुछ ज़्यादा ऐप नहीं दिए गए हैं, तुम्हें खुद ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ये कैलेंडर, इसको एक्टिवेट करना होगा जो मैं बाद में करूँगा।
इसका कैमरा देखते हैं कैसा है। मैंने जैसा बताया था कि रियल कैमरा 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो काफ़ी सही नहीं है। इसका कैमरा काफ़ी अच्छा नहीं है। और ये टैबलेट की सेटिंग, दोस्तों इस टैबलेट में आप अपना मनपसंद का वॉलपेपर लगा सकते हो, जो सैमसंग में नहीं लगा सकते थे। फ्रेंड्स, ऐसे तो मुझे सैमसंग का टैबलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।